Assalamualaikum, hi and hello. Welcome to the Ann Sports Pulse. Ann Sports Pulse में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ. और जनाब, आप क्रिकेट की बात कर लेते हैं और क्रिकेट में भी बात करने के लिए काफी कुछ है. बट आई वॉज सो डीपली डाइव्ड इन टू द वर्ल्ड ऑफ ओलंपिक्स कि कल मुझे बिल्कुल याद ही नहीं रहा कि इंडिया और श्रीलंका की जो मेंस टीम है उनका दूसरा T20 मैच है. सो उसे मैं देख नहीं सकी. सो मैं उस पर अब क्या बात करूं. बस जितना मैंने स्कोर कार्ड देखा उससे यही कुछ अंदाजा हुआ कि वो जो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग है उसका वो जो पहला T20 था वही वाली कुछ रिपीट टेलीकास्ट हुई है. सो उस मैच पर तो हम बात नहीं करेंगे क्योंकि मैंने देखा ही नहीं है. लेकिन जो विमेंस का एशिया कप था भाई, उसका फाइनल बड़ा जबरदस्त हुआ. और ऑस्ट्रेलिया कि जो एक्सीलेंस थी, नॉट द ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका की जो एक्सीलेंस थी वो जिस तरह से सामने आई है उसकी तारीफ बनती है. क्योंकि इंडिया जिस तरह से इस टूर्नामेंट में परफॉर्म कर रही थी, और मैं जैसे कह रही थी कि इंडिया को कोई हरा नहीं सकता, वो जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं सिवाय उनके. लेकिन कल जनाब श्रीलंका ने साबित किया कि वी आर हियर. क्योंकि इंडिया ने कोई इतना बुरा स्कोर नहीं बनाया था. अगर आप 160 प्लस का टारगेट सेट कर देते हैं T20 के अंदर श्रीलंका में, तो वो कोई इतना बुरा टारगेट नहीं है. लेकिन उसके बावजूद श्रीलंका ने वो जिस तरह से उसको टारगेट को चेस किया है, हालांकि चेस करना वैसे मुश्किल होता है, और कितना मुश्किल होता है ये मेंस टीम आपको बता भी रही है श्रीलंका में. लेकिन विमेंस टीम दे वर जस्ट आउटस्टैंडिंग और तारीफ बनती है भाई उनकी. और दे वन देयर मेडन विमेंस एशिया कप टाइटल. इंडिया इससे पहले 7 टाइटल जनाब जीत चुकी और डिफेंडिंग चैंपियंस भी थे. और जी अपना ये वाला जो 8वां टाइटल है वो श्रीलंका ने उनको नहीं जीतने दिया. इससे पहले बांग्लादेश ने भी एक टाइटल जीता हुआ है और बाकी तो सारे इंडिया ने कुछ जीते हुए हैं. तो इंडियन जो वुमेन्स हैं वो एशिया में दे आर टू गुड. इसका मतलब है कि जो वर्ल्ड कप आगे आ रहा है वुमेन्स का, उसमें भी हम श्रीलंका से अच्छी परफॉर्मेंस बिल्कुल एक्सपेक्ट करेंगे. इस मैच पे जरा थोड़ी सी तफसील से भी बात करेंगे आपसे. और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान की ए टीम है, बिल्कुल जी, जो ए टीम है हमारे शाहीन है, उन्होंने जो पहला मैच, जो 4-day मैच हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया में मजे की बात है कि बांग्लादेश की ये टीम से मैच हो रहा है, पहला मैच तो हरा दिया था, लेकिन जो दूसरा मैच है वो जनाब 5 रन से वो हार गए हैं. इस मैच पे बात करेंगे. काफी लोग शोर मचा रहे हैं कि मैच हार गए और जनाब फुल स्ट्रेंथ के साथ खेल रहे थे और जो बांग्लादेश है वहां पे काफी नए खिलाड़ी थे उनके. तो इस पे जरा हम कुछ तफसील से बात करेंगे. जो लोग इतना शोर मचा रहे हैं इसमें कितनी सदाकत है और किस तरह से हमें चीज़ों को मेरे ख्याल से लेके चलना चाहिए है. इसके साथ साथ जो वुमेन्स टीम के कोच है मोहम्मद वसीम जनाब, उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान की टीम है वो बड़ा ही अच्छा खेली है, वो बहुत अच्छा खेली है, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है. बस मोहम्मद वसीम ये बताना हमें भूल गए कि जब इतनी अच्छी क्रिकेट खेली है तो फिर पाकिस्तान की टीम हार कैसे गई. इसका मतलब है कि बुरी क्रिकेट खेलने वाली टीम्स पर जीत रही हैं, तो हम भी फिर बुरी क्रिकेट ही खेलना शुरू कर देते हैं जी. तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं. और वीडियो का हम आगाज करते हैं एशिया कप से. एशिया कप वुमेन्स का जिसका मुकाबला हुआ श्रीलंका वर्सेस इंडिया के दरमियान, और इंडिया ने टॉस को जीता और बिल्कुल सही फैसला किया पहले बैटिंग करने का. और शुरू में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन फिर जनाब पावर प्ले का जब इख्तिताम हो रहा था तो मेरे ख्याल से 44 रन बनाए हैं इंडिया ने इसी तरह कुछ पावर प्ले में. और आखिर में स्ट्रोक्स लगाई, कुछ थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी मंधाना के, जिनका एक कैच भी ड्रॉप हुआ दिलारी के जरिए के हाथों से, उन्होंने बड़ा अच्छा फिर खेला. और ऋचा घोष ने आके उनका बड़ा अच्छा साथ दिया. जमायमा अगर रन आउट ना होती तो मेरे ख्याल से मजीद रन बनाए जा सकते थे. तो अल्टीमेटली आखिर में आके, खासतौर पर आखिर में हिटिंग बड़ी अच्छी कर दी इंडिया ने, तो अच्छा स्कोर सेट कर दिया. लेकिन जब श्रीलंका की टीम जनाब आती है बैटिंग के लिए, एक विकेट उनकी गिरी, लेकिन उसके बाद उनकी जो कैप्टन है और जो समारा विक्रमा है, जो कि इससे पहले अगर हम उनकी इनिंग देखें तो 61 T20 इंटरनेशनल इनिंग में सिर्फ 4 हाफ सेंचुरीज हैं उनकी, लेकिन उसके बावजूद वो जिस तरह से उन्होंने फाइनल में खेला है, दैट्स रिमार्केबल. वो जिस तरह से उन्होंने अपनी कैप्टन का साथ दिया, और जो दिलारी हैं उन्होंने वो जिस तरह से बैट बॉल दोनों से बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, साबित किया कि कैप्टन के अलावा बल्कि जो बाकी टीम है वो भी कुछ करती है. क्योंकि कैप्टन तो उनकी जो है वो चिमारी अथापतु, वो तो हैं ही बड़ी आउटस्टैंडिंग. अभी इंग्लैंड के खिलाफ भी शी वॉज टू गुड, बड़ा अच्छा खेली थी वो.
तो जी श्रीलंका ने ये एक अच्छा कोई इतना कोई वन साइडेड मैच नहीं था, एक मेरे ख्याल से 12वां ओवर था, एक मौके पे आई थिंक 72 रन ट्राई लिए थे 48 बॉल्स पे, और दीप्ति शर्मा जो बॉलिंग कर रही थी, और वो ऐसा मौका था कि जब श्रीलंका की अगर विकेट गिर जाती या वो अपनी मेंस टीम के नक्शे कदम पर चलती तो इंडिया ये जो मैच है आसानी से जीत जाता, लेकिन उन्होंने बड़ी समझदारी से सेंसिबल वे में और एक बड़ी अच्छी अप्रोच के साथ वो आगे बढ़ी और जनाब इस मैच को जीत लिया। दीप्ति शर्मा वॉज गुड, लेकिन बाकी जो दो स्पिनर्स थी उनकी तो खूब फिर कुटाई की है, धुलाई की है ये जो श्रीलंकन बल्लेबाज थी इन्होंने, और इस तरह से श्रीलंका जो है अपना ये मेडन टाइटल जीतने में कामयाब हो गई। यहाँ पे इंडिया ने अच्छा खेला लेकिन मिस फील्डिंग हुई उनसे, क्योंकि जब प्रेशर आता है मिस फील्डिंग आपसे होती है, कैचेस ड्रॉप हुए, कैचेस जो है वो श्रीलंका से भी ड्रॉप हुए, मंदाना का कैच ड्रॉप हुआ था और इंडिया से समारा विक्रमा का और एक और कैच ड्रॉप हुआ, लेकिन ये जो मिस फील्डिंग थी मेरे ख्याल से ज्यादा कॉस्ट आपको पे करती है और प्रेशर को उस तरह से हैंडल नहीं कर सके। आज श्रीलंका की टीम ने ये मैच जीत लिया, तो जो श्रीलंका की जो टीम है, जो उनके फैंस हैं, उनको बड़ा मुबारक हो कि मेडन जो टाइटल है एशिया कप का वो श्रीलंकन जो वुमेन्स हैं उन्होंने जीत लिया है, और उम्मीद करती हूँ कि जो मेंस टीम है वो भी कुछ सबक हासिल करे अपनी वुमेन्स टीम से, वो जिस तरह से खेल रहे हैं। और जो मोहम्मद वसीम ने कहा है कि हमारी जो वुमेन्स हैं वो बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली हैं, बैटिंग बड़ी अच्छी की है आखिर में आके, और बस वो श्रीलंका से हारी हैं जो मैच आखिर में आखिर तक गया था उनके मुताबिक, और एक इंडिया से हारी हैं, और बाकी भाई और था कौन के जिससे हारना था, अब क्या आपने यूएई से हारना था, अब क्या आपने नेपाल से हारना था, और क्या एक्सपेक्ट करके बैठे हुए थे आप। और कहते हैं वही जो मेंस टीम का हाल है कि नहीं हम तो अच्छा खेले थे लेकिन हार हम फिर भी गए हैं, यानी अगर आप वुमेन्स टीम की भी अचीवमेंट आप उठा के देखेंगे ना तो उनके पास भी अचीवमेंट के नाम पे बस यही है कि वो वाला सेमीफाइनल खेले थे और वो वाला फाइनल खेले थे, बाकी टूर्नामेंट तो आप कोई वो जीते नहीं है इतना बड़ा कोई अभी तक, और बड़ी टीमों के खिलाफ आप आके वैसे ही फेल हो जाते हैं। जो मोहम्मद वसीम की मेंस टीम के लिए अप्रोच थी वो वुमेन्स टीम में भी इसी तरह से कैरी ऑन किए हुए हैं, और इस अप्रोच के साथ तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई तरक्की होने वाली है या कुछ भला होने वाला है पाकिस्तान के क्रिकेट का। वुमेन्स टीम के साथ साथ अब जनाब ए टीम की बात करते हैं कि जिसकी साहबजादा फरहान कैप्टनसी कर रहे हैं, अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ हम खेल रहे हैं, और अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश के काफ़ी यानी ए टीम भी उनकी प्रॉपर ए टीम नहीं है ये, उसके अंदर मेरे ख्याल से दो या तीन खिलाड़ी हैं जो कि अभी ऐसे हैं कि जिसको हम जानते हैं या जो उनकी ए टीम से खेलते हैं या नेशनल साइड से भी खेल चुके हैं, कि जिसमें एक हसन जोए हैं जो कैप्टन है उनके, महमूदुल हसन जोए, और एक शहादत हुसैन है कोई और एक और है मेरे ख्याल से, और बाकी काफी नए नाम आप देख रहे हैं। तो जो 5 रन से हार गए हैं, अब बात लोग इस पर काफी शोर मचा रहे हैं, जो इतनी बड़ी टीम थी फुल स्ट्रेंथ के साथ आप खेल रहे थे और आप हार गए, और जो है मोहसिन नकवी ने सर्जरी करके इन खिलाड़ियों को लेके आना था टीम में, तो जब तक आप हार से इसी तरह से डरते रहेंगे तो आप एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे फिर तो आप इसी तरह से बाबर रिजवान से खेलते रहे, और अगर वो हारे भी हैं आप देखें तो सही किस तरह से हारे हैं, 5 रन से हारे हैं, और उसके अंदर भी इंडिया जो पाकिस्तान है उसने काफी एक्सपेरिमेंट किए हैं, हुडैरा को नहीं खिलाया इस दफा से, जो लास्ट टाइम बड़ा अच्छा खेले थे पहली इनिंग के अंदर, उमैर बिन यूसुफ को नहीं खिलाया, वो दूसरी इनिंग में खेले और मिडिल ऑर्डर में वो खेले, पहले वो टॉप पे खेल रहे थे, पहली इनिंग में इतनी अच्छी हमारी बैटिंग नहीं रही, फिर दूसरी इनिंग में अच्छी की हमने, और जो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हुई वो जनाब जो मोहम्मद अली और मेरे ख्याल से खुर्रम शहजाद के दरमियान जो पार्टनरशिप आखिर में वो लगी है सेकेंड इनिंग में, वो बड़ी ज़बरदस्त थी। मोहम्मद अली ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, 6 विकेटें ली, खुर्रम शहजाद ने अच्छी बॉलिंग की, और बाकी जो बॉलर्स हैं उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग की, तो 5 रन से हारे हैं, और कोई इतने आसमान नहीं टूट गए हैं, जब आप कह रहे थे कि सीरीज का कोई फायदा ही नहीं है तो फिर अगर एक बेफायदा सीरीज हार भी गए हैं तो कोई मसला नहीं है। ये जो यंगस्टर्स हैं ना इन पे फजूल का क्रिटिसिज्म बार बार करना, एक भी वो मैच हार जाए छोड़ दें, और अपनी जो यंग टीम है, नॉट द यंग टीम, जो आपकी सीनियर टीम है ना, इसको देखें कि ये क्या कर रहे हैं, ये कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ लीग्स के खिलाड़ी हैं, चाहे शादाब हैं, चाहे इफ्तखार हैं, या XYZ जितने भी हैं, और तो और जो कैप्टन है उनमें इतनी हिम्मत नहीं है वो कैप्टनसी छोड़ दें, वो तो ये समझ के बैठे हुए हैं कि ये तो पता नहीं मेरे खानदानी राइट्स में शामिल है कि कैप्टनसी मैंने करनी है, और बाकी जो आपके बोर्ड में इतना बड़ा झमेला है जो सारा टीम टबारा है उनमें से भी किसी को हिम्मत नहीं है कि उनको वो हटा दें कैप्टनसी से, पाकिस्तान के लिए सोचने वाला यहाँ पे कोई भी नहीं है,
सबको अपनी अपनी पड़ी हुई, अपना बंदा आ जाए ये सीट पे आ जाए वो सीट पे आ जाए, अपने बंदे को साइड पे कर लो, इसको आगे कर लो, चाहे आपकी क्रिकेट है या चाहे आपका जनाब बोर्ड है, चाहे हॉकी है चाहे क्रिकेट है, हर जगह ये हिसाब किताब है और इसी वजह से आप डिक्लाइन का शिकार भी हैं। और जनाब जो एशिया कप में एक खबर आई है कि 2025 का जो एशिया कप है वो इंडिया को मिल गए हैं उसके होस्टिंग राइट, सो वो इंडिया में खेला जाएगा। इससे पहले जब इंडिया में हुआ था तो वो यूएई में खेला गया था, तो अब देखते हैं कि वो यूएई में होगा इंडिया में होगा। और अब बाज़ लोग कह रहे हैं कि जी अब एशिया कप जो है वो इंडिया में है और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान इंडिया से कह सकता है अगर तुम ना आए तो हम भी नहीं आएंगे। तो जनाब आईसीसी का और एशिया कप आईसीसी का इवेंट और एएसआई का इवेंट, ये जो है एसीसीआई का जो इवेंट है, इसमें काफ़ी फर्क है और इस पर आप बिल्कुल एक दूसरे को इस किस्म की बातों से तो नहीं ब्लैकमेल कर सकते हैं कि तुम आईसीसी में ना आओ हम जनाब एशिया कप में नहीं आएंगे, इस तरह की तो कोई बात मेरा नहीं ख्याल हो सकती है। तो जी बहरहाल अभी तक के लिए इतना ही, अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा।